हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे आर वी डी जी पी एंड वेलकम टू द फ्रेश न्यू वीडियो। तो भाई लोग देख सकते हो घर के जस्ट गैरेज के नीचे हूँ और मेरे पीछे मेरा बेबी लाइट है। तो आज का वीडियो आई थिंक आपने देखा ही होगा, थंबनेल में टाइटल में देखकर आपको पता लग गया होगा कि मैं गया था दुर्गा पूजा का टाइम पे बुद्ध विहार, एक जगह है डी एस पी टाउनशिप के अंदर पे, तो वहाँ पे गया था और एक मस्त पूजा पंडाल आपको दिखाऊंगा और आई थिंक आप वीडियो में देखोगे। तो अगर आपको मेरा चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोस एंड नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहे। एंड चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी जाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गापुर में, एक लोकेलिटी है, अगर आप जानते होगे जो लोग दुर्गापुर से, तो मैं बता देता हूँ। स्पेशली जो भगत सिंह वाला मोड़ है, भगत सिंह के मोड़ से अगर हम सीधा चले जाएंगे तो एक जगह पड़ता है बुद्ध विहार बोल के, तो बुद्ध विहार में जाएंगे, मतलब जगह का नाम है, और देखेंगे कि कैसा क्या सीन है, मतलब कैसा क्या लोग बनाया है पंडाल। तो वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर आई थिंक आप भीड़ में देख सकते हो, तो यहाँ पर भीड़ होता ही है भाई। तो देख सकते हो फिलहाल चारों साइड में पूरा भीड़ भाड़ है और कुछ उपाय नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल बाइक को रोकना ही होगा। तो आपको सीट्स में रिएक्शन मिल ही जाएगा। A few moments later. A few moments later. So, भाई लोग, ये वाला जो सामने पूजा मंडप या पूजा पंडाल देख रहे हो, ये वाला है दुर्गापुर का एक फेमस जगह जो है बुद्ध विहार। आप देख सकते हो सामने एक अर्ली मैन का स्टैचू है। तो ये जो पूजा मंडप बनाया गया है, ये टोटली बेस्ड किया गया है, मतलब आदि मानव या अर्ली मैन के ऊपर बनाया गया कि पुराने ज़माने में आदमी कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे गुफा में रहते थे। तो आप जैसे जैसे देखोगे वीडियो में, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ सामने, और भाई चारों साइड पूरा कीचड़ है भाई, मतलब बरसात के टाइम में गया था और इतना दुर्गा पूजा के टाइम बंगाल में इतना बरसात हो रहा था ना कि क्या बोलूँ। जो लोग बंगाल में होंगे वो लोग समझ पाएंगे कि दुर्गा पूजा में कैसा सीन था भाई, सुबह से शाम दोपहर हर टाइम बारिश हो रहा था। और यहाँ पे देख पाओगे पूरा भाला है, मतलब अर्ली मैन जिसे शिकार कर देते हैं, तो मतलब पूरा मतलब एक प्रिमिटिव वे में बनाया गया है। यहाँ पे जैसे देखोगे झाड़ पत्ती पूरा पेड़ों से बन, लकड़ी से लेके बनाया गया। यहाँ पे देख सकते हो एक अर्ली मैन का या आदि मानव का स्टैचू है जो ड्रम पीट रहा है, मतलब चारों साइड लोगों का भीड़ देख सकते हो भाई, खचाखच पूरा पूजा मंडप भरा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड भी सामने खड़ा हुआ है। तो मतलब एकदम सही सीन है, लग रहा था, सच बोल रहा हूँ भाई लोग, कि मैं कोई गुफा में या केव के अंदर में जा रहा हूँ। और धीरे धीरे आप देख पाओगे कि भीड़ पूरा बढ़ते ही जा रहा है, और सामने से जैसे जैसे करके मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको पूरा चीज़ डिटेल वे में देखने को मिलता रहेगा। और यहाँ पे सामने देखोगे दोनों साइड में एक रास्ता बनाया गया, रास्ता के साइड लग रहा है कि भाई कोई गुफा में जा रहे हैं या कोई केव में जा रहे हैं। और देखोगे अर्ली मैन का स्टैचूज है ले कि खड़े हैं अर्ली मैन सब, और पूरा झाड़ पत्ती से बनाया गया। और मेरा फेस के तरफ मैं जब कैमरा घुमाता हूँ तो भाई ये देखे हुए एकदम लो लाइट सिचुएशन था, लेकिन इस टाइम भी GoPro 7 ब्लैक अच्छा ही आई थिंक काम किया है। और मैं अकेले नहीं, मेरा फ्रेंड के साथ गया था और अजीब अजीब रिएक्शंस मिल रहा था भाई। पूजा मंडल के अंदर मैं ब्लॉगिंग कर रहा था ना, तो अजीब अजीब रिएक्शंस मिल रहा था भाई, सच बोल रहा हूँ। और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देखते रहो और नज़ारा बताओ कि कैसा लग रहा है देखने में। भाई पर्सनली मुझे इसका इनसाइड का स्ट्रक्चर बहुत सही लगा, सच में लग रहा था कि भाई कोई आदि मानव का गुफा में मैं घुस चुका हूँ, अर्ली मैन का गुफा में घुस चुका हूँ या केव में, उसका अंदर धीरे धीरे करके जा रहा हूँ। तो एकदम सही सीन था। और कुछ ही देर में आप दुर्गा माँ का भी प्रतिमा या मूर्ति को देख पाओगे, तो उनका भी दर्शन कर लेना मेरे वीडियो के थ्रू। बस आप लोग वीडियो में जुड़े रहो और जो भी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आप लोग बस थोड़ा सा फॉलो करते रहो। इतना ज़्यादा गर्मी, ऊपर से बारिश बंगाल में, भाई पूरा सीन ख़राब था। और देख सकते हो इधर में मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो सब लोग पीछे के कैसे कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं, बट मैं कुछ माइंड नहीं करता हूँ भाई, मैं अपना काम से मतलब रखता हूँ। और यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं जाता हूँ, और नीचे थोड़ा थोड़ा कीचड़ था तो संभल के जाना पड़ रहा था भाई, कि कहीं जूता ख़राब ना हो जाए या पैंट में कीचड़ ना लग जाए। यहाँ पे देख सकते हो ये जो पीछे जो पंडाल आपको देखने को मिलेगा, वही है बुद्ध विहार हमारा DSP टाउनशिप के अंदर में जो है, मतलब DSP कॉलोनी की तरफ, तो उधर में ही है। मतलब जो लोग दुर्गापुर से होंगे वो लोग जानते ही होंगे बुद्ध विहार क्या है। यहाँ पे लोग देख सकते हो चारों साइड फोटो खींचा रहे हैं। और ये जो बीच वाला जो एरिया है पंडाल का, बीच में देख सकते हो तीन चार आदि मानव का स्टैचू लगाया गया है, और चारों साइड पूरा लकड़ी से घेरा गया है ताकि पूरा प्रिमेटिव और पुराना प्राचीन लगे ये जगह देखने में। मेरा फ्रेंड और सब लोग चारों साइड लाइन में लग के माँ का दर्शन कर रहे हैं,
और भीड़ लगा के सब फोटो भी खींच रहा है। देख सकते हो सामने कुछ कुछ जानवर का भी स्टैचू है। तो पूरा एकदम प्रिमेटिव केव या प्रिमेटिव गुफा का रास्ता जैसे बनाने का फुल ट्राई किया गया था। और यहाँ पे मैं अपना फ्रेंड से थोड़ा बातचीत करता हूँ कि भाई इधर आ, इधर से चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट भी हो रहा था, रात का भी टाइम था, तो घर भी जाना होता है भाई लोग। तो एकदम सही सीन था। आप लोग थोड़ा सा वीडियो एंजॉय करते रहो। एंड एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाओ भाई, आई नीड ऑल योर लव एंड सपोर्ट सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते रहूँ। बस अब कुछ ही देर में मैं धीरे धीरे सीढ़ी से चढ़ते हुए चला जाऊंगा पूजा मंडप के सामने, जहाँ पे आपको दुर्गा माँ का प्रतिमा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करो भाई लोग, कुछ ही देर में हम लोग चलते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा सीन का नज़ारा देख सकते हो चारों साइड का। भाई हजार हजार लोग का भीड़ था भाई, मतलब ऐसा भीड़ था ना, और स्पेशली नवमी के दिन ही मैं गया था रात को ये शूट करने, और लोगों का भीड़ तो आप देख ही सकते हो। ऊपर से अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो भाई इतने सारे लोग अजीब अजीब रिएक्शंस देंगे भाई, लेकिन चलो चलता है, वैसा कोई सीन नहीं है, मुझे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे देख सकते हो भाई हजार हजार लोगों का भीड़ है भाई। और जैसे ही मैं कैमरा इधर में करता हूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा ये प्रिमिटिव वे में दुर्गा माँ का प्रतिमा बनाया गया, मतलब प्राचीन तरीके से प्रिमिटिव वे में दुर्गा माँ का प्रतिमा बनाया गया है। और जैसे मैं रुकने को ज़्यादा दिया नहीं जाता इधर में, देख पाओगे कि थर्मोकोल से लकड़ी से एक्स बनाया गया है कुल्हाड़ी, तो एकदम सही सीन है इधर में। झाड़ पत्ती से इतना मस्त सजाया गया ना, मुझे इसका पर्सनली इंटीरियर वाला पार्ट बहुत ही अच्छा लगा बुद्ध विहार का। सो फार सो गुड, एंड आप लोग थोड़ा वीडियो को सपोर्ट करो। एग्जिट कर गया फिलहाल यहाँ से, जाते दूसरा जगह। सो भाई लोग, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो में क्या है। तो मैं जस्ट गया था बुद्ध विहार, एक फेमस पूजा मंडल बनाया जाता है, मतलब पूजा पंडाल बनाया जाता है, मतलब DSP टाउनशिप के अंदर में ही है, मतलब भगत सिंह के सामने से जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहीं गया था और आप देखे होगा कि वहाँ पे जो पूजा मंडप या पूजा पंडाल बनाया गया था वो पूरा आदि मानव से इंस्पायर होकर बनाया गया था, मतलब अर्ली टाइम पे ह्यूमन कैसे रहते थे, क्या सब सीन था, तो उसी का रिलेटेड ही पूजा पंडाल बनाया गया था। आई थिंक अपने वीडियो में देखा भी होगा कि मस्त बनाया था, लग रहा था कि मैं कोई केव या गुफा में जा रहा हूँ, आदि मानव कर्ली मैन का केव में जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ सीन था। आई थिंक आपने वीडियो अगर देखा है तो भाई थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलो आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय टुडेज व्लॉग। सो गाइस, राइड सेफ, राइड हार्ड, अर्न मनी, बी हैप्पी, चेज योर ड्रीम, मेक अदर्स हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड मैं सोशल मीडिया हैंडल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो आज को ऐसे ही घर में था और देख सकते हो पीछे बेबी लाइट है, तो सोचा कि चलो गैरेज के सामने ही रह के वीडियो एंड कर देते हैं, क्योंकि एडिट करते करते पता चला कि भाई वीडियो एंड करना भूल गया हूँ। सो फार सो गुड, एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।